नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां विपक्षी इंडिया गठबंधन के सामने सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने का मौका है, तो बीजेपी के लिए अपनी सत्ता को बचाए रखना चुनौती है। 2014 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाई, लेकिन 2019 में उसे बहुमत नहीं मिला और जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। ऐसे में इस बार का चुनाव बीजेपी के लिहाज से काफ़ी अहम है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी का प्रदर्शन 2019 की तरह नहीं रहा और केंद्र में भी बीजेपी अकेले दम पर सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस की जुगलबंदी अब दिखने को मिली है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने साझा रणनीति तैयार की है। आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए 5 घंटे की मैराथन बैठक हुई और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि दोनों संगठनों के बीच कई मुद्दों पर बात हुई, कई तरह के गिले शिकवे भी दूर किए गए, पर इस मीटिंग में जिससे सबसे महत्वपूर्ण बात पर चर्चा हुई वो ये कि बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया जाएगा या नहीं। दरअसल हरियाणा बीजेपी में करीब दर्जन भर नेता ऐसे हैं जो अपने सगे संबंधियों के लिए टिकट मांग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसे लोग हैं जो अपने संबंधियों को जिताने में सक्षम भी हैं। वही डर है कि अब इन नेताओं के लोगों को टिकट नहीं मिला तो इन चुनाव में भीतरघात का खतरा भी हो सकता है। उधर बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि बीजेपी वंशवाद को मुद्दा बनाकर ही हरियाणा जैसे स्टेट में चौटाला परिवार और हुड्डा परिवार का विरोध करके सत्ता में आई, और अगर पार्टी बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देती है तो किस मुंह से वंशवाद का विरोध कर पाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आरएसएस की तरफ से अरुण कुमार, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, विप्लव देव और बीजेपी महासचिव बीएल संतोष ने भाग लिया है। अब सवाल यह है कि बीजेपी के कौन कौन से नेता अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट की आस में है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का है, जो अपनी बेटी आरती राव के लिए टिकट चाह रहे हैं। सांसद धर्मवीर अपने भाई के लिए टिकट चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र पाल चौधरी के लिए टिकट चाहते हैं। पूर्व सांसद रमेश कौशिक अपने भाई देवेंद्र कौशिक के लिए टिकट मांग रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता अपने भतीजे को पंचकुला से बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतारना चाहते हैं। वैसे बीजेपी और आरएसएस वंशवादी राजनीति के खिलाफ कड़ा रुख अपनाती रही है। उधर चुनाव नजदीक आते ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अब पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर कई बड़े बयान दिए हैं, सुनिए उनका बयान। मैंने कल 11 क्वेश्चन किए, आगे और करूँगा, उनका उत्तर दें वो। मैंने 11 सवाल किए हैं, वो 11 सवालों का उत्तर तो दें, पहले कहीं तो दें, गांव में दें, घर में बैठ के दें, कहीं होटल में बैठ कर दें, दें तो कहीं ना कहीं। महिलाओं के साथ बैठे, महिलाओं के बीच में बैठे हैं दीपिंदर हुड्डा, आज गेंद में खाना खाया, कह रहा कि आपका एहसान नहीं बोलूंगा मैं आज। नहीं देखिए, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होता, उनको अपना कार्यकाल ध्यान करना चाहिए कि किस प्रकार के अत्याचार उनके शासन के अंदर हुए हैं, किस प्रकार का वो शासन तंत्र रहा है। FIR दर्ज नहीं होती थी, अब रोटी खाने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। निर्देश दे के गए हैं चुनावों के, अमित शाह आए थे, कुछ बड़ा निर्देश दे कर गए। हाँ देखिए, आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि जो कांग्रेस एक भ्रामक प्रचार कर रही है, हिसाब मांगो, हम हिसाब गांव-गांव के अंदर जा कर के देंगे, हर पंचायत के अंदर हिसाब देंगे, वो भी दें। मैंने 11 क्वेश्चन किए हैं, वो 11 का उत्तर दे, फिर मैं आगे और क्वेश्चन पूछूंगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार हरियाणा में 20 से 25 नए चेहरों पर भी दाव खेलने के मूड में है। इसके पीछे बड़ी वजह एंटी इनकम्बेंसी को माना जा रहा है। इसी साल बीजेपी ने सीएम मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया था। इस फैसले के पीछे भी राज्य में एंटी इनकम्बेंसी की वजह थी। फिलहाल हरियाणा में चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इंडिया गठबंधन RLD BSP गठबंधन से लड़ने के लिए बीजेपी ने अपना मास्टर प्लान जरूर तैयार कर लिया है। हालांकि इसका कितना असर चुनावी नतीजों पर होगा, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। चुनाव से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।